रोज से देखा है उसको, हम शमा जलाना भूल गए, दिल ताम के ऐसे बैठे हैं, कहीं आना जाना भूल गए। अब आठ पहर इन आँखों में कोई चंचल मुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस है के वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस है के वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। हेलो आर्मी, वेलकम टू बैक माय चैनल, एंड हाउ आर यू, आई एम फर्स्ट टू आर्मी। ये फील इन लव का पार्ट 1 है, सो आई होप ये पार्ट आपको अच्छा लगेगा। अब चलिए मैं इस पार्ट को शुरू करती हूं। यार ये बार-बार क्यों नाग ने मुझे बच्चे से जाता है, वो कोई भी सबूत छोड़ता ही नहीं जिससे मैं उसे पकड़ सकूं। एक बार वो मेरे हाथ में आ गया ना तो दोबारा मैं उसे छोड़ूंगा ही नहीं। शांत हो जा मेरे यार, आई नो तू बहुत ज्यादा गुस्से में है, पर अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख, वो पकड़ जाएगा, फिकर मत कर। आर्मी ये हमारी स्टोरी के फर्स्ट हीरो और ये एक पुलिस ऑफिसर है जिसका मकसद है किम नामजून को पकड़ के जेल में डालना। और आर्मी ये हमारी स्टोरी के सेकंड हीरो और इनका नाम है इमी नियुंगी और ये भी एक पुलिस ऑफिसर और ये जंगू का बेस्ट फ्रेंड है, उसी के साथ काम करता है। क्या करूँ मैं उसे जल्द से जल्द पकड़ना चाहता हूँ मगर वो मेरे पकड़ में आता ही नहीं। अरे कब तक बचेगा, कभी ना कभी तो हमारे हाथ में आएगा ही। जंगू जिमिन के कॉलेज से फोन आया है। क्या उसके कॉलेज से? ओ गॉड, अब क्या कर दिया इस लड़के ने, ला मुझे फोन। उसके बाद जंगू कॉल पिक करता है और जिमिन के कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। आने दो इस लड़की को घर पर, इसे तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। शुगा क्या तू जिमिन को कॉलेज से ला सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक काम है, मैं बिना काम खत्म किए नहीं जा सकता, तो मैं काम खत्म करके तुरंत घर जाऊंगा, क्या तू प्लीज उसे घर ले आ सकता है? ये सब कॉर्स यार, इसमें भी तो प्लीज बोल रहा है, मैं बोला जिमिन को क्यों नहीं लेकर आऊंगा। मेरा मतलब है कि वो तेरी बहन है और तूने कहा है तो ये तो मेरा फर्ज बनता है ना, मैं उसे जरूर लेकर आऊंगा। हाँ तो फिर जल्दी ले आना क्योंकि मुझे उससे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या हुआ यार, अब क्या कर दिया जिमिन ने जो तू उससे इतना ज्यादा गुस्सा है? प्लीज उसे डांटना मत, प्लीज उसे डांटना पड़ेगा वरना वो समझेगी नहीं। तो जानता है ना कि हमारे मॉम डैड नहीं है और मेरी पूरी दुनिया मेरी छोटी बहन है और मैं उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि वो कोई गलत रास्ते पे जाए, इसलिए मैं उसे डांटता रहता हूँ ताकि वो सही रास्ते पे चले। देख मैं अपने घर में एक मैं ही बड़ा हूँ तो मैं ही उसे समझाऊंगा ना, और तो उसे कोई समझाने वाला है नहीं। ओके फाइन, मैं तेरी बात समझ गया, लेकिन हाँ ज्यादा मत डांटना। कितने दिन हो गए मैं शॉपिंग पर नहीं गई, एक काम करती हूँ आज चली जाती हूँ, बहुत मजा आएगा। मैम अभी आप नहीं जा सकते क्योंकि सर आ गए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपके के रूम में आ रहे हैं। क्या भैया आ रहे हैं और वो अपने मुझसे मिलने? ओ माय गॉड कहाँ छिपूं मैं, कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आर्मी ये है किम तेऑंग, वैसे तो ये क्यूट और इनोसेंट है लेकिन अपने भाई से बहुत ही ज्यादा डरती है। आपको पता है मेरे बच्चे वहाँ भूखे हैं, यहाँ मैं सब्जियाँ लेकर आया हूँ
ताकि मैं जल्दी से भेज दूँ और उन्हें खाना दे दूँ। वो बहुत ही भूखे हैं मैम। बस कर पगली, रुलाई का क्या? दे रही हूँ, मैं किसी को भी भूखा नहीं दे सकती। ले लो 50 रुपए, क्या तुम 100 रुपए में दे दो मुझे। क्या समझ में आया? ये लीजिए यार, उसने तुझे चूना लगा दिया, उसकी तो अभी शादी नहीं हुई, तो बच्चे कहाँ से आएंगे? आयु, ये तो क्या बोल रही है? मैंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी, वो सच बोल रहा था। अरे जी, मैं पहले मिल्क बेचता था और मेरे पास आता था देने, तब इसकी शादी नहीं हुई थी और अभी भी नहीं हुई, मैंने पता किया था। क्या इसका मतलब? इतनी देर से मुझे बेवकूफ बना रहा था और तू मुझे देख रही थी खड़ी खड़ी, तू कुछ बोल नहीं पाई? तू ये तो कहती है आई एम स्मार्ट, तो मैं देख रही थी कि तू जान पाती है कि वो नाटक कर रहा है कि नहीं, और देखा तू नहीं जान पाई, खुद को स्मार्ट बोलती है। हाँ तो उस पर मुझे थोड़ा सा हुआ था, लेकिन अगर तू नहीं बताती तो मैं यकीन कर लेती। वैसे मैं घर जा रही हूँ क्योंकि मुझे भी लंच भी बनाना है, बहुत टाइम लगेगा, मैं जा रही हूँ, बाय। कुछ भी हो जाए, कभी हार नहीं मानती है ये। जब हम मिले वाह, वो तो हैंडसम बॉय, सिर्फ उधर देख, हॉट एंड सेक्सी लौंडा आया है। यहाँ मैं टेंशन से मर जा रही हूँ और तेरी नजर लौंडों पर है। सॉरी सॉरी, लेकिन एक बार देख तो यार उसे, मैंने तो पहली ही नजर में उसे अपना पति मान लिया, बस शादी करना बाकी है। इतना क्यों पगला रही है तू? एक बार जरा उधर देख तो, तू भी पागल हो जाएगी। लेकिन भैया, इसमें मेरी क्या गलती? मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की थी ना, फेल हो गई तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ?
गलती, इसमें सारी की सारी गलती तुम्हारी है। तुम पढ़ाई कम करती हो, मटर गलती ज्यादा करती हो। आज से तुम्हारा ये सब बंद, आज से तुम्हारे सारे क्रेडिट कार्ड्स बंद, बाहर घूमना बंद, ओनली पढ़ाई, उसके अलावा तुम कुछ भी नहीं करोगी। यार ये बहुत ज्यादा हो गया, ये जिम्मी नहीं कर पाएगी। शुगा अगर तुझे ज्यादा ही बुरा लग रहा है ना, तो तू भी जिम्मी के साथ उसके काम में साथ दे। मैं कहाँ घूमता हूँ, बस काम काम काम, मुझे तो घूमने का मौका ही नहीं मिलता, तो फिर मैं जिम्मी के साथ ही हूँ। नहीं भैया प्लीज, मुझे इतनी बड़ी सलाह मत दीजिए, मैं नहीं रह पाऊंगी शॉपिंग के बिना। शॉपिंग करना बहुत पसंद है भैया, प्लीज। आई प्रॉमिस, मैं अगली बार पक्का अच्छे नंबर लाऊंगी, पर प्लीज अभी मुझे माफ कर दीजिए। हर बार तुम यही कहती हो और हर बार फेल हो जाती हो, मैं इस बार तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, तुम्हें पनिशमेंट तो लेनी पड़ेगी। जिमिन अभी इसी वक्त अपने सारे क्रेडिट कार्ड्स मेरे हाथ में दो। लेकिन भैया एक बार सोच तो लीजिए। मुझे कुछ नहीं सोचना, मैंने ये सब सोच समझ के फैसला लिया है। चुपचाप मेरे हाथ में सारे क्रेडिट कार्ड दो। ओके दे रही हूँ। फिर उसके बाद जिमिन अपने सारे क्रेडिट कार्ड जंकु को दे देती है। ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही। आई होप ये फर्स्ट पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भर भर के प्यारे सपोर्ट दीजिए। और हाँ आर्मी, मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ कि अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताना कि ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है, और अगर पसंद आएगी तभी मैं इसे कंटिन्यू करूंगी, वरना इसे मैं रहने दूंगी। सो टेक केयर योरसेल्फ एंड बाय बाय।